दोस्तों एनिमल का टीजर लॉन्च हो चुका है और टीजर देख के मैं पगला हो गया हूँ। रणबीर कपूर का सबसे बेहतरीन फिल्म होने वाला है ये। 2.5 मिनट का टीजर में बाप बेटे का लव स्टोरी, एक अच्छा सा कहानी और रणबीर कपूर को खतरनाक लुक देख के मैं बता सकता हूँ ये फिल्म थिएटर फाड़ डालेगा। संदीप रेड्डी भंगा ने एनिमल का टीजर इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है कि मुझे पर्सनली लगता है कि 2023 के सबसे खतरनाक फिल्म होने वाला है ये मूवी। टीजर देख के लग रहा है रणबीर कपूर एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती है जिसके अंदर एक जानवर छोटा से बड़ा हो रहा है, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद ही सब कुछ पलट गया है। एक रईस ज्यादा बाप का बेटे बन गया इंटरनेशनल माफिया जिसका सिर्फ मकसद है अपना बाप के मन में जगह बनाना। दोस्तों इस टीजर में सब एक्टर को रिवील कर दिया है जिसमें शुरुआत में दिखाया जाता है रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर का खूबसूरत जोड़ी को, जो कि रश्मिका रणबीर से पूछता है क्या तुम बाप बनना चाहते हो। रणबीर बोलता है हाँ कोर्स। तब रश्मिका उसको कहता है कि तुम तुम्हारा बाप के जैसा नहीं बनोगे ना। ये बात सुन के रणबीर कपूर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, डोंट एवर गो देयर। इसी सीन के बाद दिखाया जाता है रणबीर कपूर को मार खाते हुए अपने बाप के हाथों से क्योंकि बेटा क्रिमिनल बन गया है। यहाँ पर रणबीर कपूर का लुक देख के आपको सच में डर लगेगा और यही लुक से मालूम चलता है कि एनिमल कितने खतरनाक फिल्म होने वाला है। लिटरली ये फिल्म तहलका मचाएगा। दोस्तों टीजर में संदीप रेड्डी भांगा ने ऐसे तो कुछ खुलासा नहीं किया स्टोरी का, लेकिन जो दिखा दिया बहुत है। एक सीन में दिखाया जाता है रणबीर अच्छा है और दूसरी तरफ वही क्रिमिनल है। इस टीजर में और एक कैरेक्टर देखने को मिलता है बॉबी देवाल, जो है इस फिल्म का असली विलेन। भाई साहब ने अच्छे खासे बॉडी भी बनाया फिल्म के लिए। तो स्टोरी क्या है ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर को जब मूवी आएगा तब एक रिकॉर्ड बनाएगा रणबीर कपूर। टेलर की एक जगह में रणबीर कपूर ने पंजाबी में खतरनाक डायलॉग मारा है, उसका हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि मैं जब शैतान की खोज करने निकला तब कोई भी शैतान मुझे नहीं दिखा, लेकिन जब मैं खुद के अंदर जगा तब मुझसे बड़ा शैतान कोई नहीं दिखा। दोस्तों टीजर में रणबीर कपूर का रोल को सबसे लीड में रखा गया है और एक अमीर फैमिली के बेटे होने के कारण बहुत सारे क्राइसिस भी दिखाए गए हैं, जैसे कि उसके बाप उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन रणबीर कपूर कोशिश करता है कि उसके बाप के नजर में वो अच्छा आदमी बने, लेकिन उसका हर एक कोशिश फेल होता है और उसका बाप उसको नालायक समझता है। तब जब कोई बाहर वाला इस परिवार के ऊपर इस बिजनेस के ऊपर नजर देता है तब ये नालायक बेटा ही सबसे पहले आके बदला लेता है। ये एक लगभग कहानी एनिमल का। हमें पर्सनली एनिमल का टीजर देख के गुजबम आ गया था भाई साहब। लग रहा है कि रणबीर कपूर ने अच्छा सा होमवर्क करके ये एक्टिंग किया है। बहुत ही खतरनाक सिनेमा होने वाला है भाई साहब। और संदीप रेड्डी भंगा ने तो खुद कहा है कि कबीर सिंह तो एक टीजर था, असली फिल्म तो एनिमल है। टू बी मोर बिकॉज दिस गाइस आर कॉलिंग दिस फिल्म एज अ वायलेंट फिल्म, आई वांट टू टेल देम, आई विल शो देम व्हाट वायलेंट फिल्म विल बी। और इसकी झलक हमको देखने को मिल गया एनिमल का टीजर में, खास करके रणबीर कपूर जब सबको मार के सोया हुआ था और उसके पीछे से खून निकल रहा था, वो सीन सबसे अच्छा लगा मेरे को। वैसे दोस्तों आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट पे बताना। वैसे दोस्तों अक्षय कुमार का नया मूवी मिशन रानीगंज का डिटेल्स वीडियो भी हम लोग लाए है, वो फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ टाइगर थ्री का भी वीडियो आ रहा है, टाइगर की मैसेज डिकोड, वहाँ पर हर एक छोटा सा छोटा चीज हमारे हर एक वीडियो के डिटेल्स की तरह ही बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।